गाइस अभी जो मेरे साथ हादसा होने वाला है इस गेम में बहुत ज्यादा बुरा है और जो कि आप देख एकदम हिल जाएंगे। हुआ क्या गाइस, जब मैं यहाँ पीक पे उतरा था तो मेरे आगे ही चार बंदे और उतरे थे, तो मैंने सोचा उनके ऊपर रश करेंगे, तो मैं इस घर के अंदर गया। घर के जाते ही मुझे मिली एक गन। गाइस जैसे ही मैंने इस गन को लूट किया वैसे ही मैंने देखा कि बंदे आसपास ये कहीं, तो मैं इनको ढूंढने लगा। फिर मेरे को एक और यहाँ पे गन मिली जो कि बहुत ही अच्छा डैमेज देती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ले लेते हैं। गाइस गन लेके जैसे ही मैं बाहर निकला सामने मैंने देखा कि कुछ बंदे हैं। मैंने सोचा चलो सबसे पहले कवर लेते हैं एंड फिर मारेंगे सामने ग्रीन के अंदर। गाइस यहाँ पे मैंने M4M1 से पूरा मारा लेकिन गाइस ये टीम अप करने लगा, मैं कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने फायर नहीं किया, फिर देखा गाइस क्रोनो ऑन कर लिया, मैं झट से कवर में आया और गाइस मैं अंदर घुसा और मैंने एक गोली में इसको नॉक कर दिया। नॉक करने के बाद गाइस सामने रेड क्रिमिनल को वन टैप मार दिया। गाइस अब गाइस मैंने कहा कि एक बंदा और भी होगा तो मैंने जल्दी से पोजीशन लिया, तभी गाइस ग्रीन क्रिमिनल जैसे ही आया गाइस इसको मैंने मारने की बहुत ट्राई की। यहाँ पे 3 शॉट लगा गाइस, ये भी मारने लगा गाइस और मैं अटक गया था गाइस यहाँ पे। फिर भी किसी ना किसी तरीके से डाउन किया और गाइस गलती से इमोट मार दिया। मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि इनको इमोट मारो लेकिन गलती से लग गया। गाइस सबसे पहले तो इनको क्लियर कर लेंगे ठीक है, और थोड़ा सा अप डाउन दिखा देते हैं बिकॉज इमोट लग गया ना। और हाँ गाइस ये दोनों ग्रीन क्रिमिनल और रेड क्रिमिनल को हमने मार दिया है ठीक है, तो तीन बंदे मतलब कि हमारे 3 किल हो चुके हैं और यहाँ पे एक टीममेट्स और इसका बाकी होगा और गाइस उसको मार के मारना होगा, वरना अगर उसने रिवाइव दे दिया ना गाइस तो ये हमसे जरूर बदला लेने आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा मेरे। गाइस यहाँ पे तीनों को मार दिया, अब यहाँ से थोड़ा सा लूट कर लेते हैं और मेडी भी मार लेता बिकॉज मेडी की थोड़ी सी जगह खाली है और थोड़ा मेडी मार लेते गाइस। और इसी के साथ देखते, अरे पीछे गाइस देखो एक बंदा है यार, डीजे एडम है यार, ये तो एडम है, टीम अप भी कर रहा है यार। चलो बढ़िया यार, टीम अप कर लिया, मैं भी टीम अप करता हूँ। मेरे ख्याल से मारेगा नहीं, आई थिंक गन भी नहीं और हाँ लाचार है यार बेचारा यार, ये तो यार इसके पास तो कुछ भी नहीं है यार। थोड़ा सा ट्राई करते देखते क्या मुझे मारता है, थोड़ा सा और गोली मार के देखो क्या गाइस, थोड़ा सा और मारते हैं इसको, एक गोली मारेंगे। अरे हेड लग जाएगा, ऐसा मत करो ब्रो। इस डीजे एडम ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, सीरियसली देख रहे हो आप सभी लोगों ने कितनी अच्छे तरीके से टीम अप कर रहा है, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं इसके साथ टीम अप करते हैं। एंड थोड़ी देर बाद गाइस देखो अभी बहुत बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है। थोड़ी देर बाद होता क्या है कि हम सभी लोग जब यहाँ पे आ जाते तो बिल्कुल मेरे साथ चिपक के रहता है यार, और यहाँ पे मुझे ना थोड़ा फायर आ रहा था, मतलब फायर जहाँ से बंदे करते हैं ना। देखो बंदा है गाइस सामने, बंदा एक वन टैप, यहाँ पे पूरी स्क्वाड है। ओ भाई साहब चलो डैमेज देते थोड़ा सा, वहाँ पे भी सामने, अरे डीजे एडम भी साथ दे रहा है। चलो अंदर चलते हैं इसको मारेंगे, यहाँ से अच्छा व्यूज आएगा। अरे देखो तीनों बंदे हैं, 1 2 3 मारा, ओपी इसको क्लियर करते हैं गाइस, क्लियर करते हैं। अरे अंदर भी बंदा है, जल्दी से अब इधर निकलेंगे। अरे डीजे एडम पे एक बंदा आ गया गाइस, देखो डीजे एडम पे इसको मारेंगे, एक गोली लगाए। अरे एक बार भाई भाई इसको मारते हैं, 2 शॉट, बंदा नॉक गाइस, एक बंदा और होगा क्या, दो। अरे यहाँ पे डीजे एडम ही अपना, 2 बंदे और होंगे, चलो बाहर निकलते हैं। 2 शॉट खत्म गाइस, ये भी खत्म। अरे एक अंदर बंदा और है, बॉल लगा ले गाइस, क्या ही खेल रहा है, इसको मारना पड़ेगा जो ऊपर गया। चलो गाइस चलो जल्दी से मारेंगे यार, जल्दी से मारेंगे। यहाँ पे एक बंदा 1 शॉट मारता है, चलो आई थिंक 2 शॉट। अरे ऊपर कैसे जाऊँ, इधर तो वॉल लगा हुआ है। पहले तो डीजे एडम को बचाते हैं यार, मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इसको बुआ दिलाना है मेरे को ठीक है, और मेरी तरह ही बंदा है, इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे तो ठीक है ना। कहाँ है बंदा, का इसको ढूंढ के जल्दी से मारते हैं गाइस, वरना अगर हमने इसको नहीं मारा तो डीजे एडम को मार देगा। और मैंने मेडिकेट तो दे दिया, मुझे डर लग रहा है यार कहीं इसको मार ना दे। चलो गाइस किधर है बंदा कहाँ है, चलो प्लीज़। तो गाइस थोड़ी देर बाद मैं आपको आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो गाइस होता क्या है कि इधर से एक बंदा जा रहा होता है, तो ये लास्ट वाला वही बंदा होता है और गाइस देखो वॉल लगा देता है, इसके शॉट मिस होता है, मैं इधर से घूम के जाता हूँ, फिर मैं इधर से ऐसे मारता, फिर मैं वॉल लगा लेता हूँ। गाइस पता नहीं इधर से कैसे जाता है, नेट का इसका प्रॉब्लम है आई थिंक गाइस, नेट का देखा, उतनी दूर से इतनी जल्दी नहीं आ सकते कोई। यहाँ पे मैंने मारा भाई, मैं फंस गया। ओ भाई मार दिया यहाँ पे डीजे एडम ने यार, डीजे एडम ने बचा लिया यार यहाँ पे, वरना मुझे लगता है ये मार देता गाइस। लिटरली डीजे एडम काफ़ी ओपी खेलता है यार, मस्त है यार ये बंदा, मस्त लेकिन है। लेकिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है गाइस। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब हम सभी लोग रिवाइवल पॉइंट के पास पहुंचते हैं तो ये डीजे एडम रिवाइव करता है अपने टीममेट को, तो मैं भी मान जाता हूं, मैं कहता हूं कोई बात नहीं यार, रिवाइव कर लो अपने टीममेट्स को ओके। और यहां पे थोड़ी देर में रिवाइव होने वाले थे इसके टीममेट, तो मैं सोचता हूं कि चलो मैं भी थोड़ा सा आगे पीछे देख लेता हूं कोई एनिमी तो नहीं है, और उसके बाद इसको बुआ भी दिलाना है और इसके टीममेट भी मेरे साथ टीम अप कर लेंगे और हम सभी लोग साथ में बुआ ले लेंगे ठीक है। और मेरे टीममेट के पास मैं इसको मिलाने जा रहा था क्योंकि वो बहुत दूर थे गाइस, मैं ऐसे सामने जा ही रहा था और मैं बहुत अच्छे तरीके से इस पर विश्वास करता था, बहुत अच्छा बंदा समझ रहा था इस एडम को ठीक है। लेकिन गाइस जब मैंने आसमान में देखा तो ये देखो ग्रीन क्रिमिनल रेड क्रिमिनल, यहाँ पे इसी दोनों जो बंदे हैं ना इसके टीममेट्स हैं यार, मैंने इतना बड़ा कैसे धोखा खा लिया यार। और गाइस देखो जैसे मैंने पीछे देखा इधर से चारों बंदे ने मुझे घेर लिया, और गाइस देखो मेरे को किसने मारा, इस डीजे एडम ने यार, कितना बड़ा वाला धोखा हुआ देख सकते हो यार। लोल पे लोल इमोट दिखाया जा रहा, लोल पे लोल इमोट यार, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा था बताओ यार, मैंने कुछ
इसकी इतनी हेल्प करी, मैं अकेले इसके लिए लड़ा हूँ उस चार बंदों से। मैं यहाँ पे जब तक नहीं मर जाता तब तक ये लोग लो रिमोट दिखाते रहेंगे। देखो गाइज, और गाइज तुम लोग को पता है ना, डीजे एडम के लिए मैं अकेले चार बंदों से लड़ा था। तुमने आंखों के सामने देखा था, इसको कोई भी मार सकता था, लेकिन मैं अकेले लड़ा चारों से। दिखा लो रिमोट यार, दिखा लो। अच्छे करने के साथ हमेशा बुरा ही होता है। मैंने इसकी इतनी हेल्प करी, और देखो भले ही मैंने इनके क्रिमिनल बंडल को देखो मारा था, गलती से लोली मोड दिखा देते, लेकिन फिर भी देखो गाइज मैंने कम से कम इनको अप डाउन करके सम्मान तो दिया था यार, सॉरी भी बोला, लेकिन क्या बोल सकता हूँ गाइज। जब मैं रिवाइव हो गया था ना, तो मैं क्लॉक टावर पे आ गया और वो लोग थे पीक पे। तो मैंने सोचा सबसे पहले लूट कर लेते हैं, और क्लॉक टावर पे उतरते समय मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है यार, एडम ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी तो एडम के लिए आया था। और गाइज अब मेरा दिमाग हो गया एकदम ख़राब, और अब मैंने सोच लिया कि अब उनको मारना है। जैसे ही मैं क्लॉक टावर पे उतरा, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लूट करी, तो मुझे उतनी अच्छी लूट नहीं मिली थी। तो मैंने अपने टीममेट से बोला कि आप आ जाओ यहाँ पे मुझे लूट देने के लिए। तो आइकॉनिक आया और उसने मुझे बहुत अच्छी लूट दी। और गाइस जब मैंने ये लूट ले लिया, तो मैंने कहा यार क्या ही ओपी लूट मिल चुकी है, अब तो जाके उसको मारना ही मारना है, उसकी पूरी स्क्वाड 1v4 में मैं ही क्लच करूंगा। और हाँ गाइस, अगर मैंने ऐसा करके दिखा दिया तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस ये नो टॉप अप प्लेयर की टॉप अप प्लेयर क्रिमिनल बंडल जैसे घंटा प्लेयर जो कि टट्टी प्लेयर है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जीत होगी, और उनका जो बदला है ना मैं जरूर लूंगा, मैं अपना बदला। और हाँ, उस डीजे एडम को तो बहुत अच्छे से सबक सिखाना जिसने मुझे धोखा दिया है। तो गाइज चलो, गाइज यहाँ पे देखो एक चीज और है कि जब मैं यहाँ पे जा रहा था फैक्ट्री की तरफ, तो फैक्ट्री की तरफ मेरे सामने कोई भी बंदा नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा और स्पीडली चलना चाहिए, फैक्ट्री से मैं जाने ही वाला था। लेकिन अचानक से गाइज मेरा जो है ना दिमाग कह रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बंदे हो सकते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो कोई और तो जरूर होगा। तो मैंने यहाँ पे मशरूम ले लिया और मेरे साथ पीछे आइकॉनिक भी था, तो हम लोग सामने आगे जा ही रहे थे। तो गाइज मैंने देखा कि सामने कुछ बंदे हो सकते हैं, और गाइज देखो यहाँ पे है वही ग्रीन क्रिमिनल। गाइज भगवान ने मेरी सुन ली और मैं इसको मारने वाला हूँ। ग्लूअल के पीछे छुप गया गाइज, ग्लूअल के पीछे। चलो अंदर चल के रस करते, भाग कर आए। हम लोग पीछे से घूम के चलेंगे गाइज, ताकि इसको पता ना लगे। चलो देखते आगे कहाँ है, और इसको मारना है यार, बिकॉज ये मेरे ऊपर बहुत लो रिमोट दिखा रहा था। और ये टॉप अप प्लेयर है, तो क्या मेरे ऊपर रिमोट दिखाया गाइज, एक एडम के ऊपर रिमोट दिखाएगा, इसको तो मारना बनता है। कहाँ छुप गया यार, या कहाँ भाग गया, कहाँ छुप गया, आइकॉनिक की तरफ तो नहीं गया। चलो आगे चलते हैं, क्या पता आइकॉनिक की तरफ पीछे से। अरे इधर देखो, बंदा इधर ही है कहीं गाइज, फायर की आवाज़ आई है गाइज। अरे आइकॉनिक को मारा है, कहाँ है बंदा, अरे इधर आए, ये रहा, इसको मारते गाइज, इसको खत्म करते हैं। साइलेंसर है मेरे पास, साइलेंसर लगी हुई गाइज, इसको ओपी इन द चैट गाइज, इसको मैंने नॉक कर दिया पहले। लेकिन इसके टीममेट कहाँ है, जल्दी से इसके टीममेट को ढूंढते गाइज, यहाँ पे अभी लोल मारने का टाइम नहीं, इसको खत्म करेंगे जल्दी से। तो आइकॉनिक आई थिंक खत्म कर देगा, पीछे से चलते। यहाँ पे इसके बंदे जरूर होंगे गाइज, ये अकेला है तो यहाँ पे इसके साथ और भी होंगे, कहीं ना कहीं तो आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं अगर ये मरा है तो इसके टीममेट्स आ रहे होंगे। रेड क्रिमिनल को भी मारना है, और हाँ उस डीजे एडम से तो मुझे अपना हिसाब चुकता करना है, क्या करो है का। ये रहा गाइस ग्रीन क्रिमिनल, एक इसको मारेंगे गाइस, सबसे पहले छुप जाते हैं, हेड मारेंगे, हेड शॉट नॉक, ये बंदा नॉक हो चुका है। और भी रेड क्रिमिनल गाइस सामने, रेड क्रिमिनल है यार गाइस, इसको मारेंगे। चलो इसको पर रश करते हैं, ऐसा रश करेंगे कि इसको पता ना लगे। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं है गाइस, इधर कहाँ है, इधर चलते गाइस, इधर पीछे चलते, इधर होगा। चलो, अरे इधर ही गाइस, इसको मारेंगे। अरे भाई एम मिस कैसे हो गया यार, इसको रश करेंगे, M10 मारते। अरे भाई ये क्या हो रहा है यार, मेरे साथ आज क्या हो रहा है, मैं इतना बेकार तो नहीं खेलता यार, कैसे बच गया, भाग कैसे रहा है गाइस। इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे गाइस, इसको मारेंगे यार, पता नहीं क्या सीन हो रहा है गाइस। एक हेड लग चुका है, इसमें मारेंगे, एडम भी आ गया गाइस हेड। ओ भाई टीम अप कर रहा है, देखो कितना चालाक बंदा है, फिर से टीम अप कर रहा है। पहले से रेड क्रिमिनल को मारूंगा गाइस, देखो टीम अप ही कर रहा है गाइस। इसको टेस्ट करते फायर करके एक बार, मरता है क्या, नहीं मरता। चलो जंप लेके, अरे गाइस नहीं मारा यार, टीम अप कर लिया गाइस इसने, टीम अप। अरे ग्रीन क्रिमिनल, अरे भाई रिवाइव हो गया क्या, रेड क्रिमिनल भी है गाइस इधर, इसको मारते हैं, नॉक कर दिया। इसको छोड़ना नहीं है, अभी इसके ऊपर लो रिमोट मारूंगा। पहले इस ग्रीन क्रिमिनल को क्लियर करते हैं, ग्रीन क्रिमिनल कहां भाग रहा है। सबसे पहले इस ग्रीन क्रिमिनल को मारेंगे गाइस यहां पे। अरे क्रोनो लगा ले गाइस, भाग गया। चलो कोई बात नहीं, इसके ऊपर लो रिमोट दिखाता हूं। भाई आपको याद है ना यार, इसकी मैंने कितनी हेल्प करी थी, और गाइस देखो अभी भी इसने ग्रीन क्रिमिनल को रिवाइव करके भगा दिया। जब तक ये मरेगा नहीं तब तक लो रिमोट दिखाता ही रहूंगा। अरे ग्रीन क्रिमिनल आ गया, इसको मारेंगे जल्दी से, वरना हमें मार देगा। ओ भाई क्या डैमेज दिया गाइस, यहां पे बॉल लगाते हैं, आइकॉनिक मार देगा क्या, आइकॉनिक ने क्या नॉक कर दिया। यहां पे मेरा एक किल आ चुका अभी तक ग्रीन क्रिमिनल का। अरे रेड क्रिमिनल भी गाइस सामने से गया, रेड क्रिमिनल को गाइस पता नहीं कि मैं यहां पे पीछे बैठा हूं। अरे आइकॉनिक देखो लो रिमोट मार रहा है,
रेड क्रिमिनल भी सामने, रुको रुको आराम से गाइस, आराम से पहले रेड क्रिमिनल को भी देखते हैं गाइस। इसके ऊपर भी लो लिमिट मारेंगे गाइस। गाइस यहां पे ना देख सकते हो कि मैंने इसको नॉक कर दिया, और नॉक करने के बाद मैं इसके ऊपर खूब लो लिमिट दिखा रहा हूं। यहीं पे मेरा होता है बदला पूरा, लेकिन अभी रेड क्रिमिनल बाकी है गाइस। इन लोगों ने जिस तरीके से लो लिमिट दिखाया था ना, मुझे अभी भी याद है, इन्होंने थोड़ी सी भी तरस नहीं खाई थी। और अभी रेड क्रिमिनल को भी मारना है, तीन बंदे तो नॉक कर दिया, अभी पूरी टीम उसकी लो लिमिट दिखेगी। रेड क्रिमिनल कहां है, तीन बंदों को तो मारा ही है, एक एडब्ल्यू खत्म गाइस, खत्म। अब पूरी टीम के ऊपर लोली मोड दिखाएंगे। यस भाई, हमसे पंगा मत लिया करो भाई, डीजे डम की पावर अभी तुम लोग जानते नहीं हो। और टॉप अप प्लेयर जो है ना, नो टॉप अप प्लेयर की रिस्पेक्ट करना समझो, ठीक है। नो टॉप अप प्लेयर भी बहुत अच्छे होते हैं गाइस। यहाँ पे एक बंदा और होगा आई थिंक, बुया करेंगे एक बंदे को मार के, एक बंदा है बस, एक एडब्ल्यू, एक और एक डब्ल्यू, खत्म। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइस, आप सभी लोग जितने भी नो टॉप अप प्लेयर को देखते हो ना आसपास, प्लीज उनकी डिसरिस्पेक्ट मत किया करो, उनको सपोर्ट किया करो। और हाँ, आप सभी लोग भी टॉप अप मत करो, ठीक है, टॉप अप करने में कुछ नहीं रखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। की वजह रेगुलरली।